3.9 समस्थानिक परमाणु भार और समभारिक आइसोटोप्स एटॉमिक वेट एंड आइसोबार्स। कार्बन तत्व के बारे में यह देखा गया है कि कार्बन के कुछ परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या 12 और कुछ की 14 है। ऐसा कैसे होता है? वास्तव में कार्बन 12 और कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जहां कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, वहीं कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रकृति में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या तो समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों के ऐसे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु के दो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों के हमारे जीवन में कई उपयोग हैं, जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक, घेंघा रोग के निदान के लिए आयोडीन के समस्थानिक, और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। सापेक्षिक परमाणु भार रिलेटिव एटॉमिक वेट। परमाणु भार रसायन शास्त्र की एक मूलभूत अवधारणा है। परमाणु भार पदार्थ के स्थूल भार और उसमें पदार्थ के कितने परमाणु हैं उनके बीच संबंध स्थापित करने का एक तरीका है। डाल्टन जानते थे कि एक परमाणु को तौल पाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने सापेक्षिक परमाणु भार की ओर ध्यान दिया। चूंकि तब ज्ञात तत्वों के परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन था, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के भार को एक इकाई माना और उसके आधार पर दूसरे तत्वों के परमाणु भार की गणना की, इसलिए इसे सापेक्षिक परमाणु भार कहते हैं। यह भी देखा गया कि हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की क्रिया ज्यादा तत्वों के साथ होती है, इसलिए ऑक्सीजन को मानक बनाया गया। आजकल कार्बन 12 के परमाणु भार के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात किया जाता है। किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का प्रकृति में पाया जाना यह समझने में सहायता करता है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक में क्यों नहीं होते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। प्रकृति में क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 में पाया जाता है। प्रकृति में ये समस्थानिक 3:1 अर्थात 75% तथा 25% होते हैं। इस स्थिति में हम औसत परमाणु भार की गणना इस तरह से करते हैं। इस तरह क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 यूनिफाइड मास होता है। सारणी क्रमांक 3 तत्वों के परमाणु भार। यदि हम कार्बन 14 कार्बन का समस्थानिक और नाइट्रोजन 14 को देखें तो इनकी द्रव्यमान संख्या तो 14 है किंतु परमाणु संख्या क्रमशः 6 और 7 है। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। अब हम जान चुके हैं कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा नाभिक होता है जिसका भार पूरे परमाणु के भार का अधिकतम भाग होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के अवलोकन के प्रयास दुनिया भर में किए जा रहे हैं। आप भी किताबों, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओं और कई दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से परमाणु संबंधी अपने प्रश्नों को हल करने की दिशा में प्रयास करें।